ये देखिए फिर से मैं आपको दिखाती हूँ मेरा कितना स्पंजी नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और कम सामान में बनने वाले नाश्ते का वीडियो लेके आई है। ये नाश्ता है हमारा, ये हमने एक आधी कटोरी सिमाई पहले से उबाल कर छान कर पानी निकाल कर रेडी करी, और ये मैंने थोड़े से मटर पीस कर रेडी करे हैं, वो भी मैं इसके अंदर मिला दूंगी। और इसके लिए मैंने कुछ सब्जियां कट करके रखी हैं। ये सब्जियां हैं मेरी, एक छोटे से साइज का प्याज मैंने काट कर रखा है, वो भी इसके अंदर हम मिला देंगे। एक छोटे से साइज टुकड़ा गाजर का काट के रखा है, वो भी हम इसके अंदर मिला देंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसका नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम आधी कटोरी है देखिए सूजी ऐड करेंगे, एक पिंच हींग डालेंगे और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 2 चम्मच इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे, जिसे हमारा नाश्ता खट्टा बनकर रेडी हो। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो, इसका बैटर बनाकर हम रेडी करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढककर, थोड़ी देर इसी तरीके से ढककर हम रख देंगे ताकि बैटर हमारा रेस्ट कर ले, उसके बाद हम इसका नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, बैटर हमने रेस्ट करने के लिए कर रखा था, बैटर हमारा अच्छे से रेस्ट कर चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक अच्छा सा चटपटा फ्लेवर देने के लिए, हमारा नाश्ता बहुत चटपटा बने, इसके लिए मैंने एक ये तड़का पैन चढ़ाया। इसके अंदर हम एक छोटा चम्मच ऑयल डाला है। इसके अंदर हम कुछ दाने सरसों के डालेंगे। ये देखिए तड़का हमारा रेडी हो गया, वो तड़का भी हम इसके अंदर डाल देंगे, इससे हमारे नाश्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसको अच्छे से चला देंगे। इसके अंदर अब हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और इसको, एक हमारा नाश्ता स्पंजी बनकर रेडी हुआ, इसके लिए हम इसके अंदर ये एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको अच्छे से, गैस पर हमने कढ़ाई पे पानी उबलने के लिए चढ़ा रखी दिया है। ये नाश्ता हम स्टीम में रखकर बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने देखिए ये एक केक पैन लिया है, इसको हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे ताकि हमारा नाश्ता अंदर बिल्कुल भी चिपके नहीं। बेकिंग सोडा हमने डाल दिया है, इसको फिर से अच्छे से एक बार चला देंगे। और ये बैटर हम इसके अंदर टिन को टैप टैप कर देंगे। इस तरीके का हमने एक स्टैंड लिया है, इसको इसके अंदर रख देंगे और नाश्ते को ढक देंगे। अपना नाश्ता हम ढक देंगे, गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और इसको 10 से 15 मिनट तक इसको इसी तरीके से मीडियम लो गैस पर पकाकर रेडी करेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, हमने इसको पकने स्टीम करने के लिए चढ़ाया था। अब हम देख लेते हैं कि हमारा नाश्ता अंदर से कैसा पका है। ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से लीड लगाकर ढककर गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। ये देखिए टूथपिक हमने डाली थी, बिल्कुल क्लीन निकल रही है। इसको हमने ढककर गैस बंद करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से निकाल लेंगे और पूरी तरह से जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसके पीसेस कट करेंगे। देखिए नाश्ता हमारा स्टीम
हो चुका है, ठंडा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लेट पे निकाल लेंगे। गैस पर हमने ऑयल गरम होने चढ़ा दिया है, अब हम क्या करेंगे गैस में ऑयल गरम करने चढ़ा देंगे, चढ़ा दिया है। और हम इसके छोटे छोटे क्यूब्स में काटकर इसको हम रेडी करेंगे। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि मेरा नाश्ता कितना क्रिस्पी, सॉरी कितना स्पंजी बनकर रेडी हुआ, ये देखिए। और हम इसको सेलो फ्राई करके करेंगे, आप इसको डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं कि इसके पीसेस काट कर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से क्यूब्स में हमने नाश्ता काट कर कट करके रेडी किया। ये देखिए, हम आपको फिर से दिखाते हैं कि हमारा नाश्ता कितना स्पंजी बनकर रेडी हुआ। अब हमारा कॉयल गर्म होने चढ़ा दिया है हमने, अब हम इसके अंदर एक एक पीस कर इसको चारों तरफ से अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर सेलो फ्राई करके रेडी करेंगे। ये देखिए, मेरा नाश्ता बनकर, सूजी और मटर का नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए, मेरा नाश्ता कितना सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। हम इसको दो तरीके से सर्व कर रहे हैं, थोड़े हमने फ्राई करे हैं, डीप सेलो फ्राई करके रेडी किए हैं, और थोड़े हमने सादे रखे हैं। ये देखिए, मेरा नाश्ता बनकर रेडी हो गया फ्रेंड्स। आप मैं इसको खट्टी मीठी चटनी के साथ, टमाटो सॉस और खट्टी चटनी के साथ सर्व कर रही, आप इसको किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि मेरा नाश्ता कितना टेम्पटिंग बनकर रेडी हो गया हुआ है। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस और वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो फेसबुक पर भी डालती हूँ, वहाँ पर भी जाकर आप हमारे वीडियो को चैनल पर वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये देखिए, फिर से मैं आपको दिखाती हूँ मेरा कितना स्पंजी नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।